हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप लोगों का सेवन स्टार किचन पर स्वागत है। तो सबसे पहले हम डो रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। लगभग आधा चम्मच इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर चम्मच से देखा जाए तो ये 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। इसे हम मैदे में मिक्स करेंगे। घी डालने से जो हमारे समोसे हैं वो काफ़ी खस्ता बनेंगे। अब जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो डो हमें बनाना है वो एकदम सख्त बनाना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ होगा तो जो समोसे हैं उनकी जो कवरिंग बनेगी वो खस्ता नहीं बनेगी, लूज़ लूज़ हो जाएगी। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। एकदम सख्त डो मैंने बनाकर तैयार किया है। मैंने जो 1/2 कप पानी लिया था उसमें से लगभग 1/4 कप पानी बच गया है। अब इसे हम ढक देंगे। ढककर हम डो को लगभग 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6-7 आलू लिए हैं। ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं। इन्हें हम तोड़ लेंगे। इन्हें हमें मोटा मोटा ही तोड़ना है। तो ये देखिए, आलू हमने तोड़ लिए हैं। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। तो ये कढ़ाई हमने ले ली है। अब कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हम गरम कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम जीरा डालेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक कद्दूकस करके लिए है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 मिर्ची ले ली हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च है ये। हल्का सा सभी चीज़ों को पका लेंगे। अदरक हमारी पक गई है तो अब हम इसमें थोड़ी सी मटर डालेंगे। ये मैंने बॉयल्ड मटर ली है। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। मटर को भी मैंने लगभग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। 1/3 चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तीखा नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च इसमें आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब हमने जो आलू मैश करके रखे थे उन्हें हम इसमें डाल देंगे। आलूओं को मैंने लगभग 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऊपर से मैं थोड़े से 5-6 काजू डाल रही हूँ। ये मैंने आधे आधे कर लिए हैं। 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसके क्यूब्स कर लिए हैं, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ऐसे रखने से जो पनीर होते हैं वो नरम रहते हैं। और 1 चम्मच इसमें मैं किशमिश डाल दूंगी। लास्ट में इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये मैंने लगभग 2 चम्मच लिया है। इसे भी हम स्टफिंग में मिक्स कर देंगे। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। स्टफिंग को साइड में रख देंगे। इसे हमें ठंडा हो जाने देना है।
डो को रखे हुए मुझे लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं, तो अब हम ढक्कन को हटाएंगे और इसे एक बार वापस से गूंथ लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का डो हमें चाहिए होगा। अब जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं घर में उतनी बड़ी बड़ी हम इसकी लोई काट लेंगे। रोटी को हम जब बेलेंगे तो हम एकदम गोल नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे क्योंकि इसे हमें कट करना है और समोसे के लिए पट्टी बनानी है। चारों तरफ से हम बराबर बेलेंगे, कहीं से मोटा या पतला ना रहे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक शीट रेडी कर ली है और इसे मैंने लगभग उतना ही बेला है जितना हम रोटी को बेलते हैं। और इसे अब हम आधे पर से कट कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी शीट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो समोसा भरने के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट ले ली है, इसके साथ ही हमने लिया है पानी। पानी हमें इस पट्टी के चारों साइड्स पर लगाना है ताकि ये तेल में जाके पट्टी खुले नहीं। इस तरीके से फोल्ड करना है, अच्छे से इसे हमें प्रेस करना है, कहीं भी ओपन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से हम पट्टी को हाथ में लेंगे और इसमें फिलिंग करेंगे। जितनी स्टफिंग इसमें आसानी से आ जाए उतनी ही भरनी है। अब इसकी जो बाउंड्री है इस पे भी हमें पानी लगाना है। और अब इसका जो ये बैक है इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो फ्रंट है और ये बैक है इसे हमें मिला देना है। और अब हम समोसे को इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसका जो ये बेस है इसे हमें इस तरीके से चिपका लेना है। आप हथेली की हेल्प से चिपका सकते हैं या फिर आप उंगलियों की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, जैसा भी आपको आसान लगे। तो ये देखिए ये हमारा समोसा रेडी हो गया। इसी तरीके से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। समोसे फ्राई करने के लिए तेल हमने ले लिया है, इसे हमें हल्का गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें डाला तो हल्के हल्के बबल उठ रहे हैं, इसका मतलब तेल गर्म है। और एकदम से ये डो जो है वो उठ के ऊपर नहीं आया, इसका मतलब है तेल हमें जितना गर्म चाहिए उतना ही गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब हमने जो समोसे रेडी किए हैं उन्हें हम तेल में डालेंगे एक एक करके। जितने एक बार में आसानी से तेल में आ जाए उतने ही हमें डालने हैं। इन्हें फ्राई करने में आराम से 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि इन्हें हम आराम से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर तक अच्छे से खस्ता हो जाएंगे। एक साइड से पकते हुए लगभग 2-3 मिनट हो गया है, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। जैसे इनका कलर हल्का सा बदलना स्टार्ट होगा, यानी ये हल्के गोल्डन ब्राउन होंगे, तो हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि जो इनका कलर है वो अच्छा सा आ जाए। इस तरीके से उलटते पलटते हुए इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो 2 मिनट इसे मैं और ऐसे ही पकाऊंगी। तो ये देखिए अब जो ये समोसे हैं उनका कलर हल्का हल्का बदलने लगा है, तो फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए अब जो ये समोसे हैं इन पे काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो एक एक करके हम समोसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी के बचे हुए समोसे भी हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो इन समोसों को मैंने टिश्यू पेपर पे निकाला है ताकि थोड़ा भी एक्स्ट्रा अगर ऑयल है तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए हमारे जो समोसे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं एक समोसा आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। मैं आपको एक समोसा काट कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर से भी देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। तो चलिए अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि कितना ऑयली बना है। तो एक समोसा हम लेंगे और उसे टिश्यू पेपर में इस तरीके से डैप करेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ही कम या ना के बराबर ऑयल आया है, इसका मतलब ये ऑयली भी बहुत ही कम है, इन्होंने बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब किया है। कभी कभी समोसे इतने ज़्यादा ऑयली बन जाते हैं कि आप उसे टिश्यू पेपर पर रखिए और पूरा ऑयली ऑयल हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इस रेसिपी से अगर आप ये समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।